हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आशिदा न्यूमेरिकल अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले के बारे में। तो ये आशिदा की जो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले है, ठीक है, इसका मॉडल नंबर देख लेंगे हम लोग। तो ये मॉडल नंबर क्या है, ADR132A, ठीक है। ये इसकी डिस्प्ले है, यहाँ पर चार इंडिकेशन आते हैं, ऑन, पिकअप, फॉल्ट और ट्रिप का, ठीक है। यहाँ पर तो ऑन मतलब ये रिले को जब डीसी सप्लाई देते हैं ऑक्सिलरी, तो ये रिले ऑन हो जाती है, उसका इंडिकेशन है। पिकअप का मतलब होता है जब भी हम लोग अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज या न्यूट्रल वोल्टेज की जो हम लोगों ने सेटिंग की होती है, वो सेटिंग पे अगर जब ट्रिपिंग आती है तो वो टाइम पहले ये पिकअप रिले, पिकअप जो इंडिकेशन है वो इंडिकेट करेगा कब तक के लिए, जब तक कि हम लोगों ने टाइमिंग दिया है उसको। जैसे अगर ओवर वोल्टेज हुआ और वो अगर 5 सेकंड तक ओवर वोल्टेज पे रहा, तो ये पिकअप क्या करेगा, 5 सेकंड तक उसको सेंस करेगा, ठीक है, कि ओवर वोल्टेज 5 सेकंड तक है। उसके बाद फिर है ना ट्रिप कमांड देगा फॉल्ट के ऊपर, ओवर वोल्टेज फॉल्ट, और ट्रिप कमांड जाएगी सीधा रिले को, जो कि हमारी मास्टर ट्रिप होती है उसको रिले को जाती है, और वो रिले के थ्रू हमारा ब्रेकर ट्रिप होता है, ठीक है। तो ये थे उसके चार इंडिकेशन, ऑन, पिकअप, फॉल्ट और ट्रिप, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट था हमारा, ये है इसकी चार बटने। अब इसमें चार आप देख सकते हो स्विचेस है, मोड, अप और इंक्रीज, फिर राइट और माइनस डिक्रीज करने के लिए। ये टेस्ट की बटन है, टेस्ट बटन बोले तो जैसे हमारी जो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले है ये सही काम कर रही है कि नहीं, इसके लिए कमांड बराबर दे रही है कि नहीं, अगर वो चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ट्रिप टेस्ट को इनेबल करके रखते हैं आशिदा ये रिले के अंदर, तो जैसे हम लोग ये स्विच को दबाएंगे वैसे ही हमारी रिले जो है ट्रिप कमांड ब्रेकर को देगी और ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। इससे हमको पता चलता है कि हमारी जो रिले का जो ट्रिप कमांड है वो बराबर है। फिर ये बाईपास है एक स्विच, और ये रिसेट, मतलब रिले को रिसेट करने के लिए, जब पूरी पैरामीटर सेटिंग हो गई उसके बाद हम लोग ये बटन दबा देंगे तो रिले रिसेट हो जाती है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। तो ये इसकी डिस्प्ले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे V1 V2 ऐसा वोल्टेज दिया हुआ है। तो जो V1 V2 V3 होगा वो हमारा फेज वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज यानी लाइन टू न्यूट्रल, यानी R टू न्यूट्रल, Y टू न्यूट्रल और B टू न्यूट्रल जो वोल्टेज होगा वो हमारा फेज वोल्टेज रहेगा, ये इंडिकेट करेगा। और V12, V23, V31 जो रहेगा हमारा वो लाइन टू लाइन वोल्टेज, जो हमारा 33 kV है ना लाइन, उसके बारे में। जैसे अगर कोई भी हमारे जो घर में सप्लाई आता है, घर में नहीं इंडस्ट्री में, तो जैसे 33 की लाइन है, 11 kV की लाइन है, तो ये हम लोग जो लाइन रहता है ना, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। मतलब कैसे, आर टू वाई, वाई टू बी, बी टू आर, ये होगा हमारा 33 kV। पर लाइन टू न्यूट्रल कितना होता है, तो 33 kV डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू क्या आएगा, वो हमारा वोल्टेज रहता है। तो वो हमारा होता है 33 kV पे 19.05, जिसको हम लोग लिखते हैं 19.1 वोल्टेज। तो ये अभी 18.3 वोल्ट kV दिखा रहा है, मतलब 19 kV से थोड़ा कम है, जो कि होता है 31-32 kV के आसपास अभी वोल्टेज चल रहा है इसका। अभी ये V1 है 18.2 kV, V2, फिर इसी तरह से अगर आप आगे करेंगे तो V3 दिखाएगा, यहाँ से आगे जाना है, और VN यानी न्यूट्रल का वोल्टेज दिखाता है वो। फिर आगे हम लोग लेंगे तो V21 31 kV बता रहा है, V32 31.9 ऐसा, V31 31.9 ऐसा वोल्टेज बता रहा है। अब सिमिलरली हमारे जो रिले होता है इसको हम लोग रेफरेंस कहाँ से देते हैं वोल्टेज का, तो PT से देते हैं। तो जो PT होती है हमारी, वो उसका रेशो होता है 33 साइड में 33,000/√3 डिवाइडेड बाय 110/√3, मतलब पर फेज वोल्टेज लेते हैं उसका, तो वो होता है हमारा 19.1 kV बाय 63.5 kV। वो मैं कैलकुलेशन बताऊंगा इसका कैसा है आगे। तो ये हमारा होता है V1, स्मॉल V1, इसका मतलब होता है कि PT का जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो कितना चल रहा है, 61.09, 60.78, ठीक है। तो V2 क्या है, 60 point कुछ, तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज क्या का, PT का, और ये PT का लाइन टू लाइन वोल्टेज सेकेंडरी का। V12 106, V23 104, V31 103, ये होता है हमारा PT का सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। PT का सेकेंडरी वोल्टेज हमारा लाइन टू लाइन कितना होता है, 110, तो ये 110 से कम है, मतलब थोड़ा कम वोल्टेज आ रहा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था 31-32 kV वोल्टेज है लाइन टू लाइन। तो ये था हमारा आशिदा का अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का रिले के इंट्रोडक्शन, फ्रंट पैनल का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका कनेक्शन डायग्राम भी देख लेंगे क्या होता है, इसके बैक साइड में कैसे कनेक्शन होते हैं इसके।
तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज जो रिले है 132A का, इसका बैक साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर नजदीक से देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा 17, 18 तक हमको नंबरिंग दी हुई है, वो पिन के नंबर है। और यहाँ पे हमको बताया गया कि कहाँ पे क्या चीज कनेक्ट होगा, जैसे कि 5, 7, 9, 4, 4, 8, 10 जो है इसके बीच में RYB लिखा हुआ है वाइंडिंग दिखा के। तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, पीटी की जो सेकेंडरी वायर होते हैं सेकेंडरी के, वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाते हैं, कहाँ पे 5, 7, 9, 6, 8, 10। तो पीटी के जो जैसे पर फेज में हम लोग क्या करते हैं, RYB तीनों फेज में एक एक पीटी लगाते हैं, जैसे आर फेज में एक पीटी, वाई फेज में एक पीटी और बी फेज में एक पीटी। तो पीटी क्या होता है, हमारा स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं। वो क्या करता है, 33 केवी को 110 वोल्ट पे लाइन टू लाइन में स्टेप डाउन करता है। तो उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स होते हैं उसका नंबरिंग कुछ इस तरह से रहता है, 1A 1N। तो उसको हम लोग कहाँ पे ला के छोड़ेंगे, अब जैसे आर फेज का है तो आर फेज का 1A जो रहेगा यहाँ पे 5 पे कनेक्ट कर देंगे और 1N जो रहेगा वो 6 पे कनेक्ट करेंगे। पर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तीनों का 1A 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 जो रहेगा RYB का वो यहाँ कनेक्ट कर देंगे 5, 7, 9 पे, और जो दूसरा रहेगा 6, 8, 10 इसको हम लोग स्टार पॉइंट बनाते हैं। और इसको क्या करते हैं, पीटी का जो सेकेंडरी रहता है उसके स्टार पॉइंट के साथ जोड़ के उसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका जो होता है, इसका कनेक्शन होता है रिले का। अब इसमें क्या होता है, एक अलार्म और एक ट्रिप के जो दो जो है 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हमारे अलार्म आएंगे 1, 2 पे और 3, 4 पे हमारा ट्रिप कमांड आएगा, ठीक है। तो अगर हमको कॉमन लेना है, मतलब अंडर वोल्टेज हो या ओवर वोल्टेज ये ट्रिप मारे तो हमको अलार्म आना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक में पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे या CC बोलेंगे कॉमन कनेक्शन, जो कि अनाउंसिएटर से आती है, वो यहाँ पे छोड़ देंगे। जैसे ही ये हमारा रिले ट्रिप करेगा ये NO का NC होगा और यहाँ से वही सप्लाई निकल के अनाउंसिएटर को जाएगा और वो ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज ट्रिप का इंडिकेशन बताता है, ठीक है। और वही अगर हमको यहाँ पे देखना है तो यहाँ से हमारी ट्रिप कमांड ब्रेकर को जाती है। 3 पे हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई लाके छोड़ते हैं और जैसे ही ट्रिप हुआ ये यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई 4 नंबर पे आएगा और 4 नंबर से सीधा ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल को जाता है। और बाकी अगर हमको अंडर वोल्टेज अनाउंसिएटर और ओवर वोल्टेज अनाउंसिएटर चाहिए हमको, तो हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन कर, यहाँ पे कॉमन दे दो और यहाँ से ओवर अंडर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज के 2 इंडिकेशन ले सकते हैं, यहाँ पे ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज के 2 इंडिकेशन ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा पीछे से कनेक्शन टाइप हम लोगों ने देखा अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज के रिले के। अभी जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले की पैरामीटर सेटिंग कैसे होती है, या फिर हम लोगों को अगर पैरामीटर अगर उसमें देखना है या चेक करना है तो वो किस तरह से देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा उसके कनेक्शन डायग्राम के बारे में अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के रिले के, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर सेटिंग या फिर पैरामीटर चेक कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो राइट साइड की बटन है इधर की, इसको हम लोग को तब तक दबाना है जब तक यहाँ पे मेजरमेंट लिखा हुआ नहीं आए। तो हम लोग उसको करेंगे तो ये मेजरमेंट आ गया, ठीक है। और ये अब कैसे आप है ना उसके अंदर देख सकते हैं, जैसे जनरल सेटिंग है, अब इसके अंदर अगर आपको जाना है तो आप राइट साइड से अंदर घुस सकते हैं। इसके यहाँ पे यूनिट ID 1, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे इंडिया की 50 हर्ट्स, फिर ये इसके अंदर जो पीछे पोर्ट होता है उसका बॉड रेट और कौन सा पोर्ट है वो बताना होता है। इसमें पैरिटी नन करके रखा होता है, ट्रिप ब्लॉक है यस, पीटी प्राइमरी कितना है 19.1, जैसे हमारे 33 केवी की लाइन है तो उसका पर फेज वोल्टेज हमारा होता है 19.05, क्योंकि 33 केवी बाय √3 करते हैं हम लोग तो वो होता है 19.05, जिसको हम लोग 19.1 लिखते हैं, ठीक है, ये वो बता रहा है। अभी इसमें अगर मैं 19.1 को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से अब की से चेंज नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, वो क्यों नहीं हो रहा है मैं आगे बताऊंगा। तो ये हम लोग आगे जाएंगे तो RST डिले, नो RST डिले 0.5 सेकंड का है, अंडर वोल्टेज ब्लॉकिंग है क्या, यस, फिर अनाउंसेटर काउंट रीसेट किस तरह से करना है, जैसे जो अनाउंसेटर यहाँ पे आता है अनाउंसेट करता है उसको रीसेट किस तरह से करना है, मतलब हैंड रीसेट यानी रीसेट को दबा के करना है कि फॉल्ट जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए उसके लिए। ये कनेक्शन टाइप है हमारा PN मतलब होता है फेस टू न्यूट्रल कनेक्शन हम लोग दिखाएंगे। और PT सेकेंडरी जो है हमारा वो 63.5 है, क्योंकि लाइन टू लाइन जो PT का सेकेंडरी वोल्टेज है वो 110 वोल्ट है, उसको डिवाइड बाय √3 करेंगे हम लोग तो वो हो जाता है हमारा 63.5 वोल्ट। ये थी जनरल सेटिंग। अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे हम लोगों ने जनरल सेटिंग में कुछ चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं हो रहा था, तो वो इस कारण से है क्योंकि हम लोग जनरल सेटिंग में राइट की बटन से अंदर जा रहे थे।
अगर हमको कुछ चेंज करना हो तो हमको मोड की बटन से अंदर जाना होता है ताकि हम उसको इसको चेंज कर सके, ठीक है। तो जैसे जनरल सेटिंग है, मैं अंदर घुसूंगा मोड की बटन से, पासवर्ड मांग रहा है 000, पासवर्ड 00, यूनिट आई डी 1, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज़ है। अगर आप चाहो तो इसको अगर चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है 60 हर्ट्ज़, इसको 50 हर्ट्ज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप मोड की बटन से उसको चेंज कर सकते हो। फिर आप मोड की बटन को ही दबाओगे और आगे जाने के लिए, फिर वो जो पोर्ट का जो था RS-232 पोर्ट है वो सिलेक्ट करना है, या फिर 485 पोर्ट है वो देखना है और वो सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाएंगे, बॉड रेट क्या है वो सब उसमें जो है कुछ डिफ़ॉल्ट रहता है उसको रख सकते हैं, या फिर आपको जो रेट दिखता है उसके अंदर वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आगे पैरिटी नन करके रखी है। ट्रिप टेस्ट करना है क्या, तो यस, ट्रिप टेस्ट बोले तो यहाँ की जो बटन है इससे ट्रिप कराना है तो करा सकते हैं हम लोग, इसके लिए यस किया है। आप चाहो तो नो भी कर सकते हैं इसको, ट्रिप टेस्ट नो, मतलब कभी बटन दबाए तो ट्रिप नहीं होगा। ट्रिप ब्लॉक है तो ट्रिप ब्लॉक करना है क्या, यस, ठीक है। अभी नेक्स्ट, पीटी प्राइमरी कितनी है, 19.1 KV, क्योंकि हमारा जो हमने क्या कनेक्शन टाइप क्या सिलेक्ट किया था, फेस टू न्यूट्रल, इसकी वजह से फेस टू न्यूट्रल हमारा जो 33 का होता है वो कितना होता है, 33 KV का 19.1 वोल्ट, इसके लिए हम लोगों ने 19.1 वोल्ट के आसपास करके रखा है KV, ठीक है। यहाँ पे आप कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हैं तो रेंज भी दिया है, 0.2 KV से 400 KV तक आप वोल्टेज सिलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी, ठीक है। RST डिले नो, RST डिले 0.5 सेकंड का रखा हुआ है। अब अंडर वोल्टेज ब्लॉकिंग करनी है क्या, मतलब अंडर वोल्टेज जो आएगा उसको ब्लॉक करना है क्या, तो हाँ करना है। अंडर वोल्टेज को ब्लॉक करना है क्या, मतलब अगर मेरा अंडर वोल्टेज आया तो उसको ब्लॉक करना है तो हाँ करना है, क्योंकि हमको अगर अंडर वोल्टेज पे ट्रिपिंग नहीं चाहिए तो हम लोग यस करके रखेंगे, अगर ट्रिपिंग चाहिए तो अंडर वोल्टेज ब्लॉकिंग को नो कर देना है, ठीक है। अगर हमको ट्रिप, जैसे अंडर वोल्टेज पे ट्रिप आती है हमारा, तो उसको ब्लॉक कर देना है कि ट्रिपिंग नहीं देना है, तो इसके लिए यहाँ पे यस करना है। अगर ट्रिपिंग देना है तो इसके लिए यहाँ पे नो करना है, ठीक है। तो हमको ट्रिपिंग नहीं देना था इसलिए यस कर दिया इसको। फिर नेक्स्ट अंदर जाएंगे तो अनाउंसिएटर कौन से टाइप का है, हैंड रिसेट है हम लोगों ने रखा है कि भैया हम लोग यहाँ पे आएंगे, जब फॉल्ट क्लियर होगा हम लोग रिसेट करके देखेंगे, और रिसेट हुआ तो फिर हम लोग आगे का काम करेंगे ब्रेकर ऑन करने का। और अगर हम लोग सेल्फ रिसेट करते हैं SR, तो इसका मतलब होता है कि फॉल्ट चले जाने पे ऑटोमेटिकली रिले रिसेट हो जाएगी, तो हम लोग इसको कर देते हैं हैंड रिसेट। और कनेक्शन टाइप हम लोगों ने रखा है फेस टू न्यूट्रल PN, आप PP भी कर सकते हैं, फेस टू फेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फेस टू न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने 19.1 KV 33 को लिखा और 110 की जगह पे 63.5 वोल्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कनेक्शन टाइप PN करके रखा है। PT सेकेंडरी क्या है, तो हमारा जो 110 डिवाइडेड बाय √3 करेंगे तो पर फेज वोल्टेज कितना आएगा हमारा, 63.5, तो वो हम लोगों ने लिख के रखा 63.5। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक दी है, 63.5 वोल्ट से 230 वोल्ट तक आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये बोलता है सेव दिस सेटिंग, मतलब जो आपने जनरल सेटिंग में जो भी चेंजेस किया उसको सेव करना है क्या, तो हाँ मुझे सेव करना है, इसके लिए मोड बटन दबा देना है, तो ये सेव हो जाती है। अभी हम लोग ये जनरल सेटिंग देखा हम लोगों ने, अभी हम लोग देखेंगे रिले सेटिंग, इसको भी हम लोग मोड के थ्रू अंदर घुसेंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो उसको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो मोड से अंदर पासवर्ड मांगता है, अंडर वोल्टेज इनेबल करना है क्या, मतलब अंडर वोल्टेज आया और उस पर ट्रिपिंग आ रही है तो उसको इनेबल करना है क्या, तो हाँ करना है, इसलिए यस करके रखा है। तो वी लेस देन, मतलब इसका मतलब होता है कि वी जो है लेस देन, मतलब अंडर वोल्टेज आया, ठीक है। उसका पिकअप, मतलब ये इंडिकेट करता है पिकअप, मतलब अंडर वोल्टेज कुछ देर तक सेंस करेगा वो, उसके बाद फॉल्ट या ट्रिप कमांड आगे देगा, ठीक है। तो वो पिकअप कितने पे करेगा, वो हमारा 50.0 वोल्ट पे, ये क्या है हमारा PT का सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है, 50.0। अभी अगर हम लोग देखेंगे कि 33,000 डिवाइड बाय 110 करेंगे तो उसका रेशियो आता है हमारा 300, ठीक है। और ये PT का सेकेंडरी है 50.0 वोल्ट, अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे तो कितना होगा, 15, मतलब 15 KV के आसपास अंडर वोल्टेज हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है। मतलब 19.1 KV की जगह अगर फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज हमारा 15 KV आता है तो वो अंडर वोल्टेज पे ट्रिप मार देगा रिले, ठीक है। और डिले कितना दिया है, 10 सेकंड तक, मतलब ये जो पिकअप इंडिकेशन है वो 10 सेकंड तक अंडर वोल्टेज सेंस करेगा 15 KV, ठीक है। और 10 सेकंड के बाद तक अगर अंडर वोल्टेज रहेगा तो वो फॉल्ट बोल के ट्रिप कमांड ब्रेकर को देगा, ठीक है। ये वी, मतलब अंडर वोल्टेज डिले टाइम दिया है 10 सेकंड का। इसी प्रकार ओवर वोल्टेज को इनेबल करना है क्या, तो यस, इसको नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यस किया है। ओवर वोल्टेज जो है ग्रेटर देन है ना, वी ग्रेटर देन, मतलब ओवर वोल्टेज,
तो ओवर वोल्टेज का पिकअप कितने पे रखा है, 71.0 वोल्ट पे, मतलब 71 × 300 जो हमारा रेशो आया था 33,000/110, तो उसके हिसाब से कितना होगा, वो वोल्टेज हो जाएगा 71 × 300 करेंगे तो उसके हिसाब से कितना वोल्टेज जाता है, मतलब 21.3 kV के आसपास वोल्टेज अगर जाएगा पर फेज तो वो ओवर वोल्टेज पे ट्रिप मारेगा। और उसका डिले टाइमिंग कितना रखा है, 1 सेकंड का, मतलब अगर 1 सेकंड हमारा पिकअप अगर सेंस कर लिया 1 सेकंड में ओवर वोल्टेज तो ये ट्रिप मार देगा 21 kV पे अगर पर फेज वोल्टेज जाता है तो। इसके बाद VN रहता है, VN बोले तो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज होता है या तो न्यूट्रल वोल्टेज होगा, उसको इनेबल करना है क्या, तो यस करके रखा है। न्यूट्रल में कुछ फॉल्ट आता है उसकी वजह से कुछ वोल्टेज ज़्यादा जाता है, उसके लिए हम लोगों ने इसको इनेबल किया है। इसका पिकअप VN पिकअप कितने का वोल्टेज का है, 5 वोल्ट पे रखा हुआ है, 5 × 300 करेंगे 5 × 3 = 15 कुछ 1.5 kV के आसपास जाता है वो, मतलब न्यूट्रल का जो वोल्टेज 1.5 kV के आसपास पहुंचा तो भी ये ट्रिप मार देगा। इसका डिले दिया है 5 सेकंड का, मतलब 5 सेकंड तक ये रिले वोल्टेज को सेंस करेगा VN को, और उसके बाद फिर वो अगर इसके बाद भी अगर VN वोल्टेज आ रहा है न्यूट्रल वोल्टेज, फिर वो ट्रिप कमांड आगे देगा। अब ये बोलता है सेव करना है ये सेटिंग को, तो मोड बटन दबाए, तो मोड बटन दबा के इसको सेव कर लेना है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिले की सेटिंग, रिले सेटिंग और जनरल सेटिंग दोनों के बारे में देखा। इसके बाद ऊपर अगर आप जाएंगे तो इसमें फॉल्ट रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, इसमें फॉल्ट 1 से लेके फॉल्ट 10 तक का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और कोई भी जो नया फॉल्ट आएगा अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का, वो हमेशा फॉल्ट 1 में रिकॉर्ड होगा। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ से अंदर घुस सकते हो राइट साइड से, TC यानी ट्रिप काउंट कितना है, फिर ये V21, V32, V13, मतलब लाइन टू लाइन में ओवर वोल्टेज का फॉल्ट आया या अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आया वो सेंस करने के लिए यहाँ पे बताएगा। फिर ये डेट और टाइमिंग के साथ यहाँ पे बताता है कि कितना, कौन सी डेट को और कितने बज के कितने मिनट पे कितने सेकंड पे ये फॉल्ट आया था। तो इस प्रकार आप फॉल्ट रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, और इस तरह से इसमें टोटल 10 फॉल्ट आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो। जो भी नया फॉल्ट आएगा वो एक नंबर में आएगा और पीछे का फॉल्ट निकलता जाएगा 10 नंबर के बाद से। ये एरर लॉग, ये टाइम डेट, यहाँ पे आप अपना टाइमिंग और डेट पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मेजरमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रिसेट बटन दबा के रिले रिसेट कर देंगे। जब रिले रिसेट होती थी ये ऑन इंडिकेशन एक बार बंद होके चालू होता है, ये हमारा वापस चालू हो गया। V1, V2, V3 ऐसा जो वोल्टेज है वो बता रहा है 18.3, 17.9, ठीक है। तो हम लोगों ने अंडर वोल्टेज की जो सेटिंग की थी 15 kV पे की है, मतलब अगर 15 kV के आसपास जाएगा और 10 सेकंड तक 15 kV रहेगा तो ये ट्रिप कमांड दे देगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना आशीदा न्यूमेरिकल अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले के ADR132 सीरियल नंबर के इंट्रोडक्शन, कनेक्शन और रिले सेटिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।